चलो आज हम सीखने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड के जनरल नॉलेज बुक का 42nd चैप्टर जिसका नाम है फन साउंड्स। ऑलराइट, यस, दिस इज आल्सो गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ऑलराइट, और थोड़ा सा टफ भी है, किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो इस वीडियो को देख सकता है जहाँ पे हमने करेक्ट आंसर देने का ट्राई किया है। ऑलराइट, यस, चलो आगे बढ़ते हैं। यस, मैच एंड राइट द करेक्ट साउंड्स दैट थिंग्स मेक। ऑलराइट, यस, पहला वाला क्या है? टेलीफोन। अब क्या हुआ देखो बताता हूँ मैं आपको। अब पहले नीचे हम लोग को साउंड दिए जाते थे या फिर आंसर दिए जाते थे, हम लोग को चूज करना था राइट आंसर, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है। करेक्ट, यहाँ पे हमको आंसर लिखे हुए फोटो का क्लूज भी है, बट वी विल हैव टू चेक विच इज द राइट आंसर। ऑलराइट, एक इंफॉर्मेटिव चीज, नेम गेम, द वर्ड फोनो मीन्स साउंड। वाओ, ये तो मुझे नहीं पता था, इट्स वेरी गुड जनरल नॉलेज। राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टेलीफोन। टेलीफोन क्या करता है? देखो राइट साइड में फोन भी दिया हुआ है तो टेलीफोन, और राइट साइड में ए बी सी डी सी से सीक्वेंस बनाया है जहाँ पे हमारे आंसर्स है। अब इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है? देखो स्प्लैशिंग नहीं हो सकता, स्पीकिंग नहीं हो सकता है, टेलीफोन हमेशा रिंगिंग होता है, बराबर? yes. रिंगिंग का ऑप्शन है, यस yes. तो यहाँ पे लिखोगे रिंगिंग। ऑलराइट, आर आई एन जी आई एन जी, हम यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं, आप इसको मैच भी कर सकते हो ड्रैग करके। राइट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लॉक क्या करता है? आपने बहुत सारा पिक्चर में गाना भी सुना रहेगा, टिक 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 टिक, घड़ी टिक टिक करती है। राइट, टिक टिक का कुछ है ऑप्शन यहाँ पे? यस, इट इज देयर, टिकिंग। राइट, लेट्स गो, टी आई सी के आई एन जी। राइट, हो गया, ओके। वाटर क्या करता है? वाटर, व्हेन वी गो आउटसाइड, व्हेन वी सी वाटर का आवाज कैसा आता है? इट स्प्लैशेस, राइट, ओके ओके। चलो एस पी एल ए एस एच आई एन जी, आप लोग भी रिसर्च कर सकते हो, ये हमारे हिसाब से हमने ट्राई किया है करेक्ट आंसर देने का। ऑलराइट, माइस क्या करता है? माइस स्पीकिंग करता है, राइट, उसका थोड़ा थोड़ा आवाज आते रहता है, अगर तुम लोग ध्यान से सुनोगे तो जब चूहे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, ची 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 करते रहते, राइट, इट कॉल्ड स्क्वीकिंग। लिखो एस क्यू यू ए के आई एन जी, ई ए के आई एन जी। आगे बढ़ते हैं, बेल्स क्या करते हैं? बेल्स, बेल्स यहाँ पे राइट साइड में ऑप्शन देखो, बेल्स क्या कर सकते हैं? चिमिंग, पैटरिंग, टूटिंग, रिंगिंग। रिंगिंग तो हमने ऑलरेडी टेलीफोन डाल दिया, राइट, बेल्स भी रिंगिंग करता है, बट यहाँ पे दो आंसर्स, सॉरी एक आंसर्स दो चीज़ के नहीं हो सकते, राइट, सो वी विल हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। बेल्स हमेशा क्या होता है? टन टन, तो बेल पे जब कोई कोई मारता है तो आवाज़ कैसा है? चिमिंग का आवाज़ है, है ना, ऐसी आता है ना आवाज़। देखो तुम मारोगे बेल पे ऐसा टन ऐसा करके आता है, तो इट इज कॉल्ड चिमिंग। चिमिंग लिखो, सी एच आई सी एच आई। सो बच्चों, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, ऑलराइट, ताकि आप लोग को मजा आए ये वीडियो देखने में भी। ऑलराइट, मैं खाली आंसर और क्वेश्चन करता रहूँगा तो आप बोलोगे ये तो सब जगह मिलता है, सो वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग एज वेल। ऑलराइट, सो कुछ भी आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ऑलराइट, ओके, लेट्स गो। सो रेन ड्रॉप्स का क्या होता है? ये तो हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ों में पढ़ा है, स्टोरी में पढ़ा है, राइट, राइम्स में पढ़ा है, पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, है ना, ये तो सिंपल होगा। पैटरिंग लिखो। अब देखो ये सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? हॉर्न। अब अपने को क्या मिला है? ऊपर बेल्स भी मिला है, टेलीफोन भी मिला है, हॉर्न भी मिला है। हॉर्न रिंगिंग तो नहीं हो सकता, राइट, ठीक है, तो हॉर्न का क्या हो सकता है? देखो हॉर्न जब बजाते हैं तो आवाज़ कैसा आता है उसका? टी करके आता है, राइट, इट इज़ कॉल्ड टूटिंग। राइट, बाकी यहाँ पे आंसर आप चेक कर सकते हो, मेरे हिसाब से वही आंसर है। लिखो आंसर, टी ओ ओ टी आई एन जी। आगे बढ़ते हैं, वापस मैं बोलता हूँ कि ये थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है, ताकि आपको आपको करेक्ट आवाज़ यहाँ पे आंसर मेंशन करने के लिए थोड़ा सा रिसर्च करना ज़रूरी है। ऑलराइट, और समझना भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक्स का आवाज़ कैसे आता है? ये हमारे समझ के हिसाब से हम बना के रखे हैं। ब्रेक जब तुम लगाते हो
आता है ना आवाज ची करके, स्क्रीच करके आता है, राइट? यस, इट इज द साउंड, स्क्रीचिंग लिखो। और जब ब्रेक मारते हैं तो वो किसी मेटल से टकराता है, राइट? yes. इसीलिए आवाज ची करके आ जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लीव्स का आवाज किसने सुना है क्या? चलो हम बताते हैं लीव्स का आवाज कैसे हो सकता है। देखो, रिसर्च करते हैं। ओके, वो दिमाग लगाओ। ऑप्शंस क्या क्या बचे अपने पास? हॉलिंग हो सकता है, यस हॉलिंग भी हो सकता है, राइट? yes. या क्रिंकलिंग भी हो सकता है। आप बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है। ओके, आपने जब जहाँ पे अच्छा खासा हवा आता रहेगा, झाड़ के नीचे अगर आप बैठे हो तो आपको आवाज़ सुनाई देती रहेगी, राइट? yes. पत्ते टकराते एक दूसरे से, उसका कैसे आवाज आता है? रसलिंग रेसर, राइट? ठीक है, लिखो रसलिंग। और कुछ हो नहीं सकता है, क्लैंकिंग तो नहीं हो सकता, हॉलिंग भी नहीं हो सकता। देखो, वाओ, आगे बढ़ते हैं। यस, अब ये आपको बताना जरूरी है, चेन का आवाज कैसा आता है? चेन, चेन का कैसे आवाज आता है बताओ मुझे। तो चेन जब टकराता है एक दूसरे से तो उसका आवाज क्लैंकिंग करके आता है, राइट? यस, देखो लिखो। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या क्या हमने बचे हुए हैं, सब हमने टिक मार्क भी कर दिए, क्या क्या बचे हैं अभी? तो आगे बढ़ते हैं। पेपर का आवाज कैसा आता है यार? पेपर का भी कुछ आवाज रहता है क्या? यस, यही तो जनरल नॉलेज की चीज है, तो आपको हर चीज का आवाज जानना भी जरूरी है। ये हम कभी पढ़े नहीं थे बट आज पढ़ते हैं। पेपर का आवाज कैसे हो सकता है? अभी बचा क्या है अपने पास? हाउलिंग बचा है, क्रिंकलिंग बचा है, राइट? Yes. पेपर जब कटता है श्रेडर बिन में तो क्लिक 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 क्लिक, राइट? yes, क्रिंक yes. जैसा हो जाता है, राइट? इट इज अ क्रिंकलिंग, सी आर आई एन के एल आई एन जी, ऑलराइट? सो इट इज अ राइट आंसर। सो विंड का आवाज कैसे होता है? लास्ट विंड का तो आपने सुना ही होगा, राइट? तो विंड का हॉलिंग करके आ जाता है, एच ओ डब्ल्यू एल आई एन जी, ऑल राइट? चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाबा टेक केयर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आते होंगे, आ रहे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें चैनल को। सी यू ऑन द अदर साइड, बाय, टेक केयर।